तभी एक भैंस झुंड से अलग होकर शेरनियों को डराना धमकाना शुरू करती है। भैंस बोलती है, खबरदार, अगर हमारा पीछा किया तो हम बहुत खतरनाक है। लेकिन ये भैंस अनजाने में शेरनियों के जाल में फंसने लगती है। शेरनिया भैंस को पीछे से पकड़ने का प्लान बनाती है। भैंस जैसे ही जाने लगती है, काफी सारी भैंसे अकेली शेरनी पर हमला करके उसे दूर भगाती है। शेरनी बेचारी दूर जाकर मुंह लटकाकर खड़ी होती है। तभी वह और दो शेरनी आती है और शेरनी को बोलती है, तुझे किसने डराया, कौन है, नाम बता। शेरनी झुंड की तरफ इशारा करती है। दो शेरनियां झुंड पर दोनों तरफ से हमला करती है, लेकिन इस झुंड में एकता की कमी थी। सारी भैंसे बावरी होकर इधर उधर भागने लगती है। शेरनी एक डरपोक कच्ची कली को ढूंढने लगती है। तभी एक भैंस झुंड से अलग होकर शेरनियों को डराना धमकाना शुरू करती है। भैंस बोलती है, खबरदार, अगर हमारा पीछा किया तो हम बहुत खतरनाक है। लेकिन ये भैंस अनजाने में शेरनियों के जाल में फंसने लगती है। शेरनिया भैंस को पीछे से पकड़ने का प्लान बनाती है। भैंस जैसे ही जाने लगती है, तभी एक शेरनी उसे पीछे से पकड़ लेती है। ज्यादा शान पट्टी करना इस भैंस के जान पर बनाई, इसलिए अपनी औकात से बाहर उछल कूद नहीं करनी चाहिए। एग्री करते हो तो लाइक करो। इस अकेले जेब्रा को तीन चार मगरमच्छ घेर लेते हैं। तभी एक मगरमच्छ मुंह खोल के जेब्रा के काफी नजदीक आता है। जेब्रा उसे पीछे हटने को बोलता है। तभी मगरमच्छ के मुंह के बदबू से जेब्रा हिल जाता है। जेब्रा बोलता है, साले पीछे हट, लेकिन मगरमच्छ वहीं रुकता है, जिससे जेब्रा को गुस्सा आता है और जेब्रा मगरमच्छ के ऊपर वाले ओठों को जोरों से काटता है, जिससे मगरमच्छ चिल्ला के बोलता है, अबे ओठों को छोड़, तुझे मैं कुछ नहीं करूंगा। पहली बार मगरमच्छ को दर्द का एहसास होता है। तभी जेब्रा मगरमच्छ को पीछे ढकेल के वहां से भागने लगता है। इनका झगड़ा देखने के वह हिप्पो भी आता है, लेकिन वह ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता। तभी और एक मगरमच्छ जेब्रा का रास्ता रोकने के लिए आगे आता है। जेब्रा उसे भी कट मार के आगे निकल जाता है और पानी से बाहर चला जाता है। जेब्रा के पैर पर मगरमच्छ ने बहुत जोरों से काटा था, लेकिन फिर भी जेब्रा आखिरी सांस तक लड़ता रहा और आखिर अपनी जान बचाकर बाहर निकला। इसकी हिम्मत को एक लाइक तो बनता है। ये मादा बदक अपने बच्चों को घुमाने ले जाती है। तभी वह एक बांध के नजदीक जाती है, जहाँ पर ऊपर से पानी गिर रहा था। बांध की गहराई ज्यादा होने से वह अपना रास्ता बदलती है, लेकिन एक बच्चा खुद को पानी के साथ बहने देता है। बच्चा जब तक खुद को संभालता, तब तक काफी देर होती है और बच्चा ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन बच्चा सही सलामत था। एक बच्चा आगे गया तो माँ कैसे पीछे रहेगी। माँ अपनी पूंछ हिलाकर बच्चों को बोलती है, बच्चों रोमांचक अनुभव के लिए रेडी हो जाओ। बच्चे तुरंत अपनी अपनी पूंछ पकड़ लेते हैं। माँ जैसे ही आगे जाती है, तभी पीछे से एक एक करके सारे बच्चे जंप लगाते हैं और आखिर में सारे मिलकर उस बच्चे के पास पहुंच जाते हैं।